सो हाई गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि कॉकटेल्स के अंदर डेली बेसिस पे जो है वो दिमाग लड़ाना पड़ता है, वरना आपके बच्चे बचाना मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरा एक पेयर है जिसने एक क्लच दिया हुआ है, और वो क्लच इस तरह से दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, उसके बच्चे भी दिखा दूंगा। और मैं हैंड फीड करवा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ हैंड फीड करवाने के अलावा, पेयर क्या कर रहा है हैंड फीड करवाते हुए भी दिखा दूंगा सारी चीज़ें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें सीन क्या चल रहा है कि मेरे कॉकटेल ने एक क्लच दिया हुआ है रिसेंटली अभी, और वो क्लच इस तरह का है कि दो बच्चे बड़े हैं उसमें नियर टू सेल्फ हैं, और दो बच्चे पिन फीडर हैं। तो जो पिन फीडर बच्चे हैं उनको तो बहुत ही टाइम लगेगा, और जो नियर टू सेल्फ हैं उनको भी अभी कुछ टाइम लगेगा सेल्फ होने में, तो उनको भी पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं और छोटे वालों को भी। अब मसला ये आ रहा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। सो गाइज़, मसला ये आ रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत धूप हो रही है इस वक्त, ये देखें सारा सामने जो है ना धूप ही धूप हो रही है, सूरज सर के ऊपर है, मैंने चादर लगाई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वो पेयर है जिसने बच्चे दिए हैं, ठीक है, चार बच्चे जो हैं वो इसके बड़े हैं और दो बच्चे छोटे हैं, वो बड़े बच्चे भी आपको दिखा दूंगा। अब जो बड़े बच्चे होते हैं ना उनको तो पेयर फीड करवा रहा है, क्योंकि वो बड़े बच्चे बाहर हैं, मैंने पहले से ही बाहर निकाल के रख दिए थे बॉक्स के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो चार बच्चे इस गर्मी के अंदर छोटे बॉक्स के अंदर अच्छा नहीं रहता, तो मैंने दो जो बड़े वाले थे वो निकाल के ट्रे पर रख दिए थे, ट्रे पर पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं। मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फीड लेते हैं, उनकी ज़ाहिर है उनका हेल्थ, उनकी बॉडी साइज़ बड़ा है, तो उनका क्रॉप भी बड़ा है, तो वो बड़ी फीड लेंगे, और छोटे बच्चे जो हैं वो उनको फीड उस तरह से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि पेरेंट्स थक जाते हैं गर्मी में जल्दी, किसी भी दो बच्चों को फीड करवाते हैं थक जाते हैं, फिर बाकी बच्चों को कम करवा रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैं बड़े बच्चों को खुद फीड करवा देता हूँ जानबूझ के, ताकि वो फीड मांगे ही ना। अच्छा, अब वो नहीं मांगते, यानी कि कम मांगते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, पेरेंट्स थोड़ी सी फीड करवाते हैं, उनका पेट भर जाता है, क्योंकि पहले से मैंने जो है वो उसको फीड करवाई हुई होती है बड़े बच्चों को, तो पेरेंट्स क्या करते हैं फिर, ज़ाहिर खाया हुआ तो होता है, वो निकालना तो है उनको, उनकी हैबिट बन चुकी है उगलना, बच्चों को खिलाना, तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं फिर उन बच्चों को मजबूरन खिला देते हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो भूखे रह जाते थे पहले, वो उनको खिला देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे हैंड फीड करवा रहा हूँ। सो गाइज, ये जो है ना ये बड़े वाले बच्चे हैं, ठीक है, छोटे वाले भी आपको दिखाता हूँ, ये बड़े बच्चे हैं, और इनको मैं पहले आपको शो करवा दूँ कि ये कैसे हैं। अच्छा, ये जो डब्बा है ना, ये जो केन्स आते हैं ना पानी के, जो डिस्पेंसर के ऊपर रखते हैं, उसको काट के बनाया हुआ, ठीक है, पुराने लोग जानते हैं मेरे तरीक़ेकार को, जिस तरह मैं थोड़ा बहुत सेटिंग बना के कर लेता हूँ। अच्छा, अब सीन ये है कि भाई इन बच्चों को हुआ ये कि मैंने क्या किया, नीचे ट्रे पर रख दिया निकाल के, ठीक है, ट्रे पर रखने के बाद पहले दिन जो मसला आया था वो भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए बहुत सारी बातें। पहले दिन मसला क्या आया, पहले दिन पेयर ने भी नहीं बल्कि मेल ने, बाप ने क्या किया, प्लकिंग शुरू कर दी, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये दो जगह से प्लकिंग शुरू की, और फिर थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ चेस्ट के पास से, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, उसके अलावा दोनों बच्चे मैंने निकाल के रखे थे, इसके कोई प्लकिंग नहीं की। अभी ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है, मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ कि भाई यार पता होनी चाहिए, अगर कॉकटेल रखते हैं, रखना चाहते हैं या रखने हैं आगे जाके या रखे हुए हैं, तो भाई ये सीख लो बातें, सारी बातें डेली बेसिस पे। मैं खुद यार कोई ना कोई नया रोला लेके बैठ जाता हूँ उसलिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब ये बच्चा भी बाहर निकाला था इसी के साथ, ठीक है, इसके कोई प्लकिंग नहीं है, ठीक है, अब ये चक्कर क्या है, इसके प्लकिंग क्यों नहीं है, इसके कहीं पर भी प्लकिंग नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसके क्यों है प्लकिंग, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों है इसके। देखें, ये जो बच्चा था ना, ये इसकी पिंजिंग, इसकी जो पिन थी ना वो खुल गई थी, ठीक है, इसकी पिनें खुल गई थी, पहले से ही खुली हुई थी। अच्छा, जब ये जो ये वाला है ये छोटा था, थोड़ा सा छोटा था, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क था, तो क्या हुआ था, इसके जिस्म पे बाल थे बट कुछ जगहों की पिनें फूटना बाकी थी, तो बाप को क्या हुआ कि वो टेम्परेचर की वजह से ना बच्चे बाहर आ गए थे, बच्चे मैंने बाहर निकाल दिए थे, टेम्परेचर फिर भी बहुत था, तो बाप को ये वाला एरिया का जो कलर था ना इसका, यहाँ पे येलो पट्टी आती है, ठीक है, जैसे चारकोल के यहाँ वाइट पट्टी होती है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, चारकोल की होती है वाइट पट्टी, ये दिखा दो मेरी जान, ये वाइट पट्टी, ठीक है, ये है ग्रे का बच्चा, ये देख रहे हैं आप, इसके चीक है, ठीक है, इसके चीक है, ये रहा चीक इसके ऑरेंज, और यहाँ पर इसके होता है येलो, येलो से स्पॉट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पेरेंट्स मेल जो है उसने क्या किया, उसने देखा यहाँ से पिंस निकली हुई थी इसकी कुछ, तो उसको वो चबाने के लिए सख्त महसूस हो गई, नज़र आ गया उसको, पता चल गया। अब ये बच्चा जब बॉक्स में था तब नहीं कर रहे थे, तब बाप प्लकिंग नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि बॉक्स में स्टे करना ही बड़ा मुश्किल था, बॉक्स में चार बच्चों को फीड करवाना ही इतना मुश्किल था, उसके बाद थक जाते थे, स्टे करने का टाइम नहीं मिलता था, पेरेंट्स अंदर स्टे करते ही नहीं थे, तो इसीलिए बाप
प्लकिंग नहीं करता था। और याद रखें, ज़्यादातर जो प्लकिंग के केस होते हैं ना, वो मेल करता है, फीमेल नहीं करती, ठीक है। और ये बिल्कुल माइनर सी प्लकिंग है, इससे कोई मसला नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा प्लकिंग भी हो रही हो आपके पास, तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल नंगा कर देते हैं बच्चे को तो फिर तो मसला है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्लकिंग है या इससे ज़्यादा भी है तो भी चलेगा। क्योंकि ये बच्चा जब सेल्फ हो जाएगा, जब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, 20 दिन में इसकी नई पिनें निकल आएंगी, उसके पर आ जाएंगे, फैदर्स आ जाएंगे, एकदम चकाचक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इसलिए फादर ने इसके यहाँ से प्लकिंग की क्योंकि पिंस थी इसके यहाँ पे, इसकी पिंस खुली ही नहीं थी, तो पिंस को बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, पिंस को खींचना। और कॉकटेल अक्सर चबाते हैं, इनको आदत होती है, तो इसके बाप ने इसकी प्लकिंग कर दी। बट अब वो नहीं कर रहा, बहुत मतलब कम कर रहा है, कम से मुराद ये कर ही नहीं रहा। गर्मी बहुत है ना, तो बच्चे बाहर निकाल दिए, टेम्परेचर बहुत हाई है। अब ये देख लें, इन दोनों को क्या किया मैंने, हैंड फीड करवा दी। हैंड फीड ये देख लें, सिरलैक पड़ा हुआ है, इससे मैंने सिरलैक से हैंड फीड करवा दी, और पानी पानी जैसा बनाया था थोड़ा सा। और आप अगर बच्चे प्रॉपर पक्के हैंड फीड पे ना अगर, तो आप इतना पतला मत बनाइएगा। मैंने इतना पतला क्यों बनाया, क्योंकि मैंने इनको एक टाइम हैंड फीड देनी होती है, उसके बाद मैं पिंजरे में वापस डाल देता हूँ। पिंजरे में वापस डालने का मकसद क्या होता है कि इनके पेरेंट्स भी इनको खिलाते रहेंगे। अब चूंकि इनको फीड मिली हुई है, तो ये कम खाएंगे बाप से, तो बाप इनको खिलाने के बाद, इनका पेट भरने के बाद, दूसरे बच्चों को आसानी से खिला पाएगा। दूसरे बच्चे कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी, ये पेड़ बैठा हुआ है, और इसके आपको दिखा देता हूँ दूसरे बच्चे। ये इसका बॉक्स है बच्चों का, और ये आपके भाई ने, ये हैं दूसरे बच्चे, ठीक है। एक इनो का है, और दूसरा जो है वो चारकोल का है, ठीक है। ये देख लें, एक इनो का है, दूसरा चारकोल का है। भाई, इन बच्चों को मैं यहाँ तक कैसे लाया हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स विद यू कि किस तरह से मैं यहाँ तक लाया हूँ। एक फीड मैं करवाता था, एक पेरेंट्स करवाते थे, फिर दूसरे बच्चों को मैंने करवाना शुरू कर दी, बड़े वालों को, ताकि इनको पेरेंट्स करवाते रहें, क्योंकि वेट कम हो गया था इनका, ठीक है। क्योंकि मैं सिरलैक यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे उस तरह की फ़ीड नहीं हो पाती जिस तरह पेरेंट्स भराते हैं। तो मैंने क्या किया, जब तक इंपोर्टेड फीड आती है मेरी, तब तक मैंने क्या किया, बजाय इनको मैं फ़ीड करवाता, मैंने बड़े वालों को करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि बड़े वाले ख़ुद भी थोड़ा बहुत भी खा रहे हैं, और वो पेरेंट्स भी खिला देते हैं। अब ये बच्चे अंदर ही रहते हैं, तो इनको पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत है कि पेरेंट्स फ़ीड करवाएं, तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने बड़े बच्चों को फ़ीड करवा दी। अब बड़े बच्चे ज़रा मैं छोड़ देता हूँ वापस, और आपको दिखा देता हूँ क्या सीन है। भाई, ये बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 हाय, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय हाय हाय, नज़र ना लगे मेरे कॉकटेल को। चलो भाई, बहुत हो गया मजाक, इसको वापस छोड़ते हैं ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सीन्स किस तरह के हैं। यार, इतनी गंदगी हो रही है ना कि क्या बताऊँ। हो जाती है भाई, डेली बेसिस पे हो जाती है इन बच्चों को। यहाँ बेटा, खुद को मत, ज़्यादा मत खुद को, ये देखेंगे, ये इनकी रोज़ की रूटीन, ये सामने जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। सब सेट चल रहा है, फीड वीड देखें, माँ आ गई, फ़ौरन फीड करवाएगी बड़े वालों को, छोटे वालों को कम करवा रही है, बड़े वालों को ज़्यादा करवा रही है। अच्छा, अब एक और छोड़ देते हैं। ये हम इसको भी पकड़ लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना पड़ता है, लिक्विड फीड करवाइए, कहीं उल्टी ना कर देंगे। चलो बस, ये देख लें जी, दोनों चले गए, और अब दोनों को फीड भी मिलती रहेगी। पानी चेंज करना पड़ेगा, आप यकीन नहीं करेंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये पानी अभी रात में चेंज हुआ है? अभी इसकी आप हालत देख लें, ठीक है। दोबारा चेंज करेंगे ताकि बच्चों को ये फ़ीड करवा दें। और मुझे नहीं पता बच्चों को किस तरह फ़ीड करवानी है, क्या करना है, इन लोगों ने कितनी करवाएंगे, क्या नहीं करेंगे। बहरहाल, इसको पानी को चेंज कर देते हैं ताकि ये फ़ीड सही से करवाएं। भाई देखें, आपके बच्चे मरते क्यों हैं। ये प्याला आपके सामने भरा हुआ था ना, मैंने पानी फेंक दिया, प्याला भरा हुआ था, लेकिन गंदा हो जाता है गर्मियों में ना। अब ये देख लें आप, मैंने ये ऊपर से इसमें पानी डाल दिया, प्याला भरा हुआ था। अब जैसे ही मैं ये लगाऊंगा, आप देखेंगे कि पानी किस तरह कॉकटेल पी रहे हैं, जैसे कोई प्यासा कुत्ता पानी पीता ना, उस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देख लो, पानी भर के मैं ले आया हूँ, और पेयर बिल्कुल रेडी बैठा है पानी पीने के लिए। हालांकि यही प्याला पहले भी भरा हुआ था, मगर वो पानी गंदा हो गया, ठीक है। ये देखें, इस वजह से आपके बच्चे मरते हैं, पेरेंट्स फीड नहीं करवाते। अरे यार, क्या हो रहा है, ये कैमरा पकड़ रहा हुआ और ये खुल नहीं रहा भाई। ये हमने डाल दिया, ठीक हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस
इसको बंद कर देते हैं भाई, ये हमने बंद कर दिया। अब हम वेट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से फिर पानी पीने आएगा। ये देखें डर रही है, अभी देख रही है कि इसने पानी चेंज किया, उनको पता चल गया। ये देखें अब इसको पता चल गया पानी चेंज हुआ। भाई ये यहाँ से सारा कचरा गिरता है ठीक है, और हवा से अंदर आ जाता है, तो ये इसलिए पुरानी सी पेंट रखी हुई है ताकि इसमें कचरा फंस जाए ठीक है, इसमें फंस जाए और आगे ना जाए ज़्यादा, कि हमारी जो वालदा है ना, मेरी जो मदर है, बहुत गुस्सा करती हैं। अगर मैं ज़रा सा भी परिंदा ले आऊँ ना कमरे के अंदर, तो मेरी अम्मी जो ना उन्होंने रोला पा देना होता है, ऐसा रोला पा देती हैं कि क्या बताऊँ, रोला पै जाता है, आए मेरा घर ख़राब कर दिया, आए मेरा घर ख़राब कर दिया, तो भाई करना पड़ता है ऐसे ठीक है ना। ये देखो, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।